ओके अभी आ रही आवाज़? दिस इज़ द आई ऑलवेज़ फॉरगेट टू पुट ऑन द माइक. ठीक है. हाँ जी, तो कल हम लोगों ने जो है ना आरजेएस और एपीओ का पैटर्न जो है वो हमने डिस्कस किया था. ठीक है. और उसमें हमने कुछ एपीओ के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे. अभी तो आ रही होगी आवाज़? नाउ नाउ आई मस्ट बी ऑडिबल, है ना? तो हम लोगों ने उस अप्रोच में ये देखा था कि भाई बैरेक्ट एपीओ के अगर रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो एपीओ के रिस्पेक्ट में हमें बैरेक्ट पर पूरी पूरी कमांड होनी चाहिए, है ना? तो ये जो सेशंस रहेंगे दे आर स्पेसिफिकली फॉर द एपीओ एंड नॉट फॉर द आरजेएस. आरजेएस के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए थोड़ी और इन डेप्थ हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू गो टिल द इंटरव्यू स्टेज. और मेन्स में भी जो अप्रोच रहती है जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्लाइड अप्रोच रहती है उनकी. क्रिमिनल के अगर हम आरजेएस के मेंस के अगर पेपर देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस जो थे उनके 80% क्वेश्चंस जो थे वो अप्लाइड बेस्ड थे. वो कैसे क्लियर होते हैं? जब आपके पास बैरेट का भी नॉलेज हो और उसके साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो. तो लेकिन एपीओ के रिस्पेक्ट में हमने कल क्वेश्चंस देखे थे तो वहाँ पर जो है सीधा सीधा बैरेक से क्वेश्चन पूछा हुआ था. तो यानी कि जिसको बैरेक पर कमांड है वो जो है उसकी नया पार हो सकती है. तो वी विल कंसर्न फॉर द विद द एपीओ एग्जाम ओनली इन दीज लाइव सेशंस. ठीक है. तो हम लोग आज जो है वो सीआरपीसी के मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको जो है इन सेशंस में कवर अप करेंगे. ठीक है. अब हम लोग अगर सीआरपीसी शुरू कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि सीआरपीसी हम पढ़ क्यों रहे हैं या फिर सीआरपीसी का क्या योगदान है इस देश के लिए, क्यों हमने इसको अप्लाई कर रखा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी आप कभी भी पढ़ना शुरू करें ना तो हमेशा ये सवाल अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हमें ये अपने आप से पूछना ही है कि हम ये फलाना सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इनैक्ट करने का. ठीक है ना. क्योंकि अगर हमें इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव पता होगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे, इसको और बेटर समझ पाएंगे. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर सीआरपीसी क्या करता है. वे हमारे पास दो तरीके के लॉ होते हैं. एक हमारा सब्सटैंटिव लॉ होता है. ठीक है. दो तरीके के लॉ होते हैं. एक हमारा लॉ होता है सब्सटैंटिव लॉ और एक हमारा होता है प्रोसीजरल लॉ. दो तरीके के लॉ होते हैं. सब्सटैंटिव लॉ मतलब सब्सटैंटिव लॉ वो होते हैं जो हमें राइट्स देते हैं और रेमेडीज देते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि मैंने और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्रीच कर दिया, मैंने उसको परफॉर्म नहीं किया, तो आप कोर्ट में जाओगे ना कि भाई मुझे क्या चाहिए, इन्होंने मेरा राइट था कि ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया. दैट मीन्स आपके पास एक राइट था और उसका वॉयलेशन हुआ, तो आप कोर्ट में जाके उसके लिए क्या लोगे, यू विल आस्क फॉर द रेमेडी. रेमेडी किस फॉर्म में लोगे, डैमेजेस के फॉर्म में लोगे, कॉम्पनसेशन मांगोगे, SRA में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगोगे. तो ये सारी रेमेडीज़ हैं. ये आपको कौन सा लॉ देता है, ये राइट्स और जो रेमेडी हमको दे वो कौन सा लॉ देता है, वो हमें सब्सटैंटिव लॉ देता है. लेकिन खाली राइट और रेमेडी आपको दे दी जाए ये भी तो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास प्रोसीजर तो हो. खैर ये तो मैंने आपको सिविल का एक एग्जांपल ले लिया. हम सीआरपीसी शुरू कर रहे हैं तो एग्जांपल भी क्रिमिनल वाला होना चाहिए. अब जैसे आईपीसी में ले लो, आपका अगर किसी ने सामान चोरी कर दिया यानी आपके राइट का वॉयलेशन हुआ, राइट था उसका वॉयलेशन हुआ, उसकी पनिशमेंट मिलेगी तो वो रेमेडी के फॉर्म में हो गया. कौन दे रहा है, आईपीसी दे रहा है. आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ. लेकिन कानून में सिर्फ ये लिख देना कि चोरी का ये ऑफेंस है इस तरीके से और उसकी ये पनिशमेंट इज नॉट सफिशिएंट, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो हाउ टू गेट दैट रेमेडी एनफोर्स्ड. तो वो कैसे होता है, वो प्रोसीजरल के थ्रू होगा. क्या करोगे, FIR दर्ज करोगे, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा, मजिस्ट्रेट उस पर ट्रायल करेगा, कैसे करेगा, कौन से कोर्ट में जाएगा. ठीक है ना. ये सारी चीज़ों के आंसर्स आपको प्रोसीजरल लॉ में मिलते हैं. और सीआरपीसी हमारा क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, जो हमको प्रोसीजर बताता है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है तो वो किस तरीके से होगी. ठीक है. तो ये तो पीछे इसका एक ऑब्जेक्टिव है सीआरपीसी का. ये एक मैकेनिज्म है टू गेट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड. ठीक है. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. अब आप मुझे खुद बताओ,
सिंपल अभी मैं बेसिक आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बैरक पर नहीं लेके जा रही हूँ, इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको बैरक पर ले गई तो आपको समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका सामान चोरी हुआ है तो क्या करोगे? कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओगे क्या FIR दर्ज करने के लिए? नहीं। कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे FIR दर्ज करने के लिए। तो FIR हो गई, ठीक है, आपने FIR दर्ज करी, एक मिनट रुकिए, आपने FIR दर्ज करी, FIR पे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद क्या होगा? एक नई स्टेज आती है, दैट सेट टू बी इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद क्या होता है? तीसरी स्टेज आती है आपकी ट्रायल, तीसरी स्टेज आपकी आती है ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। ट्रायल कौन करता है? ये भी मजिस्ट्रेट करता है। ऑल दो ये दोनों स्टेजेस मजिस्ट्रेट ही करता है, लेकिन फिर भी ये जो है दोनों अलग अलग क्या हैं? स्टेजेस हैं। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तीन क्रिमिनल स्टेजेस होती हैं, क्रिमिनल स्टेज नहीं सॉरी, तीन स्टेजेस होती हैं। पहली तो आपकी हो गई इन्वेस्टिगेशन, दूसरी हो गई इंक्वायरी, और तीसरा हो गया आपका ट्रायल। अब ये जो पूरा CRPC है ना आपका, वो इन्हीं तीन स्टेजेस के लिए है कि भाई इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो सकता है उसके लिए जो है प्रोसीजर दे रखा है, इंक्वायरी में क्या क्या करना होगा मजिस्ट्रेट का उसके लिए प्रोविजन आपको CRPC में दे रखे हैं, फिर ट्रायल में क्या क्या होगा, कैसे ट्रायल कंडक्ट होगी, कौन से कोर्ट के पास ट्रायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रायल स्टेज के लिए CRPC में मिलेंगी। इसके बाद भी होता है भाई, ट्रायल के बाद क्या आएगा? जजमेंट आएगा। तो जजमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए, कब पास होगा, कितने टाइम में मिलेगा, ठीक है, तो वो जजमेंट के लिए आपको प्रोविजन यहाँ मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है जजमेंट आने के बाद पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो, उसको लगता हो कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट सैटिस्फाइड, ही फाइंड हिमसेल्फ एग्रीव्ड, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील में जाएगा। तो अपील के प्रोविजन आपको कहाँ मिलेंगे? CRPC में मिलेंगे। इस पूरे दौरान में क्या होगा भाई, एक्यूज्ड अरेस्ट हो सकता है तो आपको अरेस्ट के प्रोविजन मिलेंगे, अरेस्ट हुआ है तो ये बेल भी मांगेगा तो आपको बेल के प्रोविजन CRPC में दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रोविजन्स आपको CRPC में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था CRPC में कि हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो मेजर क्रंच हैं पूरे CRPC का, जो मेजर पोर्शन को कवर भी करती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज़्यादातर क्वेश्चन FIR से आएंगे, इन्वेस्टिगेशन से आएंगे, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, बेल, अरेस्ट, ये तो ये पोर्शन आपका अगर CRPC में कवर्ड है, दैट मीन्स आप मान के चलिए कि आपका 80% जो है ना वो आपका CRPC कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे लेके चलते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए मैं काम करती हूँ, मैंने आपको पहले भी ये टेलीग्राम ग्रुप पे बोल दिया था कि आप लोग प्लीज़ अपने बैरेक्ट के साथ आइएगा। ऑल दो एक PPT बना के मैं आ सकती थी, बट आई एम मोर कम्फर्टेबल टू इम्पार्ट माई सेशंस इन यू नो लेक्चर फॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आई फील कि मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं जो है इस तरीके से आई हूँ। तो आप लोग अपने बैरेक्स को जो है अपने पास रखिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है ना, हम पहले उनको मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने बैरेक्स पे मार्क करते हुए चलिए, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो ओपन करिए, मैं यहाँ पर स्लाइड्स चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बैरक से आपको बता रही हूँ, आप लोग लिखते हुए चलेगा। देखिए अगर हम सेक्शंस, मैं यहाँ पे सेक्शंस की ही बात कर रही हूँ, तो हम लोग अगर इनिशियल सेक्शंस की बात करें ना, तो टिल सेक्शन 1 से आप मान के चलिए टिल सेक्शन 100, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, आपको मेंस में भी वो दो दो तीन तीन चार चार नंबर में पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। फिर आप देखिए आपको मिलेगा नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे सेक्शन 106 ऑनवर्ड्स टिल, अगर मैं बात करूँ टिल 124, इसकी आपको एक रीडिंग तो ज़रूर ही लगानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर
फिर आप नेक्स्ट देखिए सेक्शन 125 से 128, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ, ठीक है, ये मेंटेनेंस की बात करता है, जब विमेंस को मेंटेनेंस मिलता है उसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए सेक्शन 129 से आप देखेंगे सेक्शन 153, इसकी आप एक रीडिंग ज़रूर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो रीडिंग डायरेक्ट तो पूरा ही रीड करना है आप मान के चलिए, लेकिन मैं उसमें से आपको क्रंच बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ किस एरिया से बन सकते हैं, तो वो थोड़ा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो सेक्शन 129 से 153 जो है आप जो है रीडिंग ज़रूर लगाएंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बीच में फंस गया तो वो जो है ना नुकसान नहीं होना चाहिए हमारा। फिर आप ये देखिए सेक्शन 154 से टिल सेक्शन 327, ये तो क्या है ना, मैं आपको बता दूँ ये क्रीम है सीआरपीसी की, जो सारे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 70% के जो क्वेश्चन बनते हैं सीआरपीसी के वो इन्हीं सेक्शन से बनते हैं। तो दिस एरिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, दिस एरिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपका FIR भी आ जाएगा, आपका इन्वेस्टिगेशन भी इसी में आ जाएगा, आपकी ट्रायल भी इसी में आ जाएंगी, प्ली बार्गेनिंग भी आ जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया को आप प्लीज़ डू नॉट लीव दिस एरिया एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए हम देखेंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 328 ऑनवर्ड से, 328 ऑनवर्ड से आपको मिलेगा ये ऐसा एरिया है जिसका आपका दो से तीन बार रीडिंग अगर आपने दे रखी है सिंपल तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 366 ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं, ये टिल लास्ट आपको सारी रीडिंग करने पड़ेंगे टिल पूरा 483। फिर ये दूसरा सेक्शन है जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला एरिया कवर करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। तो आई होप जो है ये आपको बड़े हेल्प करेंगे जब आप सीआरपीसी उठाएंगे, या आपने अगर मान लो कि टाइम कम है और मुझे आपको रिवीजन करना है तो किन एरियाज़ को मैं रिवाइज़ करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और किन को मैं स्किप कर सकता हूँ। देखिए रीडिंग पूरा बैरक का करना है, दैट इज़ 100% श्योरिटी, पूरा बैरक पर आपका कमांड होना चाहिए, सेक्शन टिप्स पर होने चाहिए, ये सब करने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, कम मेहनत पर नहीं लगती। एक बार में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है सब्जेक्ट का, बस बैरक लेके बैठे हो तो साइज़ देखो उस बैरक का, ठीक है। अब मैंने जो आपको एरियाज़ बता दिए हैं तो आपको अगर रिवीजन के टाइम पर जाते हो तो भाई रिवीजन के लिए आपको पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है तो मुझे इसको तो रिवाइज़ करना ही करना है, इसको तो मुझे रिवाइज़ करना ही करना है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक ओवरऑल मैंने आपको आइडियल बता दिया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इम्पॉर्टेंट एरियाज, अब हम लोग जो है ना इसके चैप्टर्स को एक बार देख लेते हैं। तो चैप्टर्स में क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि सीआरपीसी किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है कि डेफिनेशन वगैरह इन्होंने दे रखी है ना, और कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा सेफगार्ड जो है, ये तो सिंपल सी बातें हैं। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट पहला चैप्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्रिमिनल कोड्स की बात करी है कि कौन कौन से कोड्स जो हैं किस किस, जैसे कि कितने क्लास के क्रिमिनल कोड्स हैं, उनका टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो कोर्ट ऑफ सेशन कौन कौन कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, कौन इसमें जो जज प्रिसाइडिंग जज बैठता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो ये सारी जो है ना सिंपल जो क्रिमिनल कोड्स हैं ना उनके बारे में ओवरव्यू आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा जहाँ पर अरेस्ट का, कहाँ गया अरेस्ट, पीछे होगा, ओके देखिए
यहाँ आपको मिलेगा अरेस्ट। अब यहाँ आपको सारे अरेस्ट के प्रोविजन मिलेंगे कि भाई किन सिनारियोज़ में पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकता है या नहीं, मतलब कब उसको जो है अरेस्ट करने का भी उसको क्या करना पड़ेगा, एक रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है आपको अरेस्ट के प्रोविजन में मिलेंगी। फिर आपको जो है नेक्स्ट आपको मिलेगा समन और वारंट का चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं समन और वारंट के बारे में बताई जाएंगी। समन समझते हैं आप? हाँ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मैं साथ के साथ आपको चीज़ें बताती चलूँ। अब ये समन है, समन क्या होता है? समन इज़ अ काइंड ऑफ नोटिस। एक समन होता है और इसके नेक्स्ट आपको मिलेगा वारंट, ठीक है। वारंट क्या होता है? वारंट हमेशा अरेस्ट का होता है। जब अरेस्ट करना होता है तो वारंट शुरू होता है, जब समन जारी होता है तो मतलब उसमें लिखा होता है कि आपको फलानी डेट पर कोर्ट में उपस्थित होना है, यू हैव टू अपियर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो वो होते हैं समन। वही अगर मान लीजिए कि जो एक्यूज पर्सन है वो भाग रहा है या भाग सकता है या वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया है तो हमें उसे अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट के लिए हमेशा क्या होता है? वारंट। इस चैप्टर में आपको समन और वारंट के बारे में बताया जाएगा कि समन अगर इशू होता है तो कौन इशू करेगा समन, कौन उसको जो है किस तरीके से वो सर्व होगा समन, ठीक है। कॉर्पोरेट्स को सर्व हुआ, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको सर्व होना है तो कैसे होगा। वही वारंट के लिए अरेस्ट वारंट जब इशू होता है तो कौन उसको इशू करता है, कौन उसको एग्जीक्यूट करता है, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वारंट अगर मान लीजिए किसी ऐसे ऑफेंस के लिए इशू किया गया है जो कि दूसरे स्टेट में है तो फिर उस सिनारियो में वो वारंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके बारे में आपको सारे प्रोविजन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बैरक से फैमिलियर करवा रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे। फिर देखिए नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, अरेस्ट हो गया, समन वारंट हो गया आपको। फिर आपको मिलेगा कि अगर हमें कुछ चीज़ों का, अब जैसे मान लो कि कोई एक लेटर है, ठीक है, मान लीजिए कोई लेटर है या कोई भी बंदूक है, अब उसको बंदूक तो नहीं बोलेंगे, कोई भी चीज़ को अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, समन टू प्रोड्यूस थिंग्स, कोर्ट में कुछ प्रोड्यूस करना है। अगर मान लीजिए टेलीग्राम जो वो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके पास अगर मान लीजिए कोई लेटर है उसे कोर्ट में उपस्थित करना है, अपियर करना है, प्रोड्यूस करना है, तो फिर उसके लिए आपको इस चैप्टर में सारे प्रोविजंस मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए मेंटेनेंस के लिए दे रखा है, मेंटेनेंस आपको सेक्शन 125 ऑनवर्ड्स मिलेगा। आई होप यू आर कैरिंग विद योर बैरक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरे बैरक्स को फ्लिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये आगे मेंटेनेंस नहीं है तो आपके आगे के आगे से पहले का है मेंटेनेंस का, ठीक है। वो जो है ना वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वो 125 ऑनवर्ड्स चैप्टर्स हैं। देन देखिए आपके अनलॉफुल असेंबली, अगर इसको डिसबर्स करना है तो कैसे होता है ना, 144 धारा लग जाती है, तो उसके लिए डिसबर्स जैसे सिविल फोर्स लगानी है या आर्म्ड फोर्स लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसमें प्रोविजंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिर देखिए 154 ऑनवर्ड इन्वेस्टिगेशन वगैरह आपको मिलेगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन मिलेगा आपको सेक्शन 154 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, और यही बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, ये आ गया देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये पूरा एरिया बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बढ़ेंगे फिर देखिए नेक्स्ट आपको है कि इंक्वायरी। अब देखिए इंक्वायरी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है इंक्वायरी, तो इंक्वायरी में कौन करता है? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर्स हैं। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा कि आपकी इनिशिएट कैसे होंगी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें, या फिर जो है चार्ज फ्रेम होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते, थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेक्चर, तो इस तरीके से पूरा जो है आपका सीआरपीसी चलेगा, ठीक है। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आई विल टेल यू द डेफिनेशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग जो है डेफिनेशन पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको कौन सी डेफिनेशन दिख रही है? बेलेबल ऑफेंस की, है ना। सबसे पहले आपको बेलेबल ऑफेंस की मिल रही है। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेल प्रोविजन। बेल के दो प्रोविजन दो तरीके के बेलेबल होते हैं, मतलब ऑफेंस दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है बेलेबल, एक आपका होता है नॉन बेलेबल।
अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है बेलेबल नॉन बेलेबल तो होते हैं, लेकिन पॉइंट इस कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नहीं है, हाउ वी गेट टू नो। अभी अगर मान लीजिए कि थेफ्ट हुआ तो कैसे पता चलेगा कि ये थेफ्ट जो है वो बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है पहले कभी, आप अपने सबसे पीछे चले जाइए, आपको वहाँ पे शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल में 6 कॉलम्स हैं, एक कॉलम में ये भी दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो वो ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है ये हमको कहाँ से पता चलता है, फर्स्ट शेड्यूल से पता चलता है। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिन पर आपको एज अ मैटर ऑफ राइट क्या मिल जाती है, बेल मिल जाती है। अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल थेफ्ट इज अ बेलेबल ऑफेंस, इन दैट सिनेरियो अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस वाला बोलेगा कि भाई आपका ये बेलेबल ऑफेंस है और मुझे वो वहाँ से रिलीज़ कर देगा। अपना जो भी इंक्वायरी उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी उसको करना है, पूछताछ जो भी करनी है, फॉर्मेलिटीज़ जो करनी है वो सब करेगा, लेकिन वो मुझे जेल में बंद करके नहीं रखेगा, वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो क्या है, बेलेबल ऑफेंस है। वही ऑफेंस अगर नॉन बेलेबल हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिवली और मेंस दोनों में मिल सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर आपको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो आप एप्लीकेशन दोगे मजिस्ट्रेट को कि भाई इन फलाने ग्राउंड्स पे आप मुझे बेल दे दीजिए, तो को ये मजिस्ट्रेट की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो आपको बेल ग्रांट करता है या नहीं करता है। तो ये ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। खैर यहाँ डेफिनेशन हमको बेलेबल की दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चार्ज। चार्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। चार्ज जो होते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं, चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। सुने जाते ना कि आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा ये फलाना चार्ज लगाए, वो चार्ज लगाए। इसके चार्ज मतलब, अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि मैंने किसी का किसी के घर में मैंने एंट्री ली, फिर मैंने अपने दोस्त के साथ पहले कॉन्स्पिरेसी की, फिर मैंने उसके साथ घर में एंट्री करी, फिर मैंने उसको जान से मार दिया, वहाँ पर मैंने सामान भी चोरी कर लिया। अब मैंने कितने सारे ऑफेंसेस किए, मैंने घर में एंट्री करी यानी कि मैंने क्या किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, फिर मैंने उसके घर मैंने अपने दोस्त के साथ कॉन्स्पिरेसी किया तो कॉन्स्पिरेसी का भी ऑफेंस किया, फिर मैंने मर्डर किया, उसके बाद मैंने रॉबरी भी करी, तो मेरे ऊपर चार्ज क्या लगेंगे, इन सारे ऑफेंसेस के लगेंगे। यानी कि चार्ज अगर मेरे ऊपर इन फोर या चार पांच जो भी मैंने आपको अभी ऑफेंसेस बताए, इनका चार्ज अगर मेरे ऊपर लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी ट्रायल में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा कि मैंने ये सारे ऑफेंसेस किए हैं और मैं प्रूफ करूंगी कि ये ऑफेंसेस मैंने नहीं करे हैं। ठीक है, तो ये होता है चार्ज, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, चार्ज इंक्लूड्स हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, मोर हेड्स देन वन मतलब एक चार्ज या फिर एक से ज्यादा चार्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, फिर से कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके, एक तो मैंने बेलेबल नॉन बेलेबल बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, अब अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको देखो क्या मिलता है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर हम डेफिनीशन देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही दे रखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेज हैं जहाँ पर पुलिस वाला क्या कर सकता है, विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल का डेफिनेशन आपको नीचे मिलेगा, वहाँ पर दे रखा है कि पुलिस वाला अरेस्ट जो है वो वारंट के साथ ही करेगा। तो ये कोई डेफिनेशन हुआ, ये डेफिनेशन इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। अभी अगर फिर से वही सवाल उठता है कि अगर मैंने कहा कि चोरी हुई है तो चोरी कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए फिर से हमें क्या देखना पड़ेगा, शेड्यूल देखना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम दिया हुआ है जहां पर दिया हुआ है कि ये फलाना ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। ये इंटरव्यू में भी एक बार पूछा जा चुका है कैंडिडेट से कि भाई कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं कॉग्निजेबल है, ये डिफाइन कहाँ किया गया। अभी अगर हम डेफिनेशन ये बोल दें कि ये 2C में दे रखा है, ठीक है ना, तो ये तो खाली डिस्टिंक्शन बता रही है डेफिनेशन, डिफाइन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट शेड्यूल में हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कंप्लेंट। अब कंप्लेंट कहाँ से आ गई, हमने तो FIR ही सुनी थी,
एफआईआर जो होती है वो पुलिस वाले को दी जाती है, कंप्लेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि अगर मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो मैं पुलिस वाले के पास एफआईआर दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन आई डोंट हैव ओनली वन ऑप्शन, आई डू हैव वन मोर ऑप्शन टू गो टू द मजिस्ट्रेट एंड फाइल अ कंप्लेंट डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एफआईआर की प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं और कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं, दोनों की अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन डिफरेंस भी है और इनकी ट्रायल भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, वी हैव टू ऑप्शंस टू इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वन इज़ द एफआईआर, अनदर वन इज़ द कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर द कोर्ट, ठीक है। चाहे वो पर्सन हमें पता हो, नोन हो या अननोन है, अननोन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑफेंस डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी है और ये एक्सप्लेनेशन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब हम आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे, अभी इस पॉइंट को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वी हैव टू ऑप्शंस टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वन इज द एफआईआर, अनदर वन इज द कंप्लेंट। एफआईआर गोज टू द पुलिस ऑफिसर, कंप्लेंट फाइल टू द मजिस्ट्रेट। इन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है प्रोसीडिंग्स में, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जिस जिसको कोई डाउट हो तो वो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव अनदर डेफिनेशन, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, अब देखिए किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट क्या होता है, उसी स्टेट में होता है, जैसे स्टेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। बात होती है यूनियन टेरिटरी की, कि यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट कहाँ होता है। यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट जो होता है वो उनका अपना नहीं होता है, इनका जुरिस्डिक्शन जो है वो किसी ना किसी किसी स्टेट के हाई कोर्ट को दे दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो आपको केरला का मिलेगा, ठीक है, उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। लद्दाख में भी देखिए उनको यूटी बना दिया है, तो उनका क्या है, अपना हाई कोर्ट नहीं है, दे डोंट हैव देयर ओन हाई कोर्ट, उनका जुरिस्डिक्शन किसी और स्टेट के हाई कोर्ट को दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर अपना है इंडिया, इंडिया कौन है, जहाँ पर भी ये कोड एक्सटेंड हो रहा है वो सारा इंडिया में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन की भी डेफिनेशन मिलेगी और आपको यहाँ पर इंक्वायरी की भी मिलेगी, हाँ इंक्वायरी एंड देन इन्वेस्ट। अब देखो दो अलग अलग डेफिनेशन है, यानी कि दो अलग अलग स्टेजेस हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि इंक्वायरी और ट्रायल दो अलग अलग स्टेजेस हैं, यहाँ पर डेफिनेशन भी क्लियरली कह रहा है कि इंक्वायरी मीन्स अदर देन ट्रायल, यानी कि जो ट्रायल नहीं है वो क्या है, इंक्वायरी है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद शुरू होती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब कोई एविडेंसेस का कलेक्शन होता है बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जब भी पुलिस ऑफिसर एविडेंसेस का कलेक्शन करता है, एविडेंस का कलेक्शन क्यों करता है, क्यों करता है, वो तो मजिस्ट्रेट लेता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है वो एविडेंस लेता है, पुलिस वाला कलेक्ट करता है कि भाई ये खून हुआ है तो ये खून किसने किया है, क्राइम वेपन कहाँ है, इसके पीछे कोई और भी मिला हुआ है, कोई कॉन्स्पिरेटर भी है क्या, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है। तो ये जो होता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो होता है वो कौन करता है, पुलिस वाला करता है। तो जो मैंने आपको पहले भी, अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि जो है इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस वाला करता है। इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट करते हैं, लेकिन इंक्वायरी अलग स्टेज है, ट्रायल अलग स्टेज है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर मजिस्ट्रेट एविडेंस की रिकॉर्डिंग करता है ओथ पर, वो हो गई जुडिशियल प्रोसीडिंग। यूजली ट्रायल क्या होती है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करता है, एविडेंसेस को अपने सामने ऑन रिकॉर्ड लेता है ओथ पर, ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ, लोकल जुरिस्डिक्शन, जैसे आप देखो आगे बढ़ेंगे, अभी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। देखो क्या होता है, हर एक का एरिया डिवाइड होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये होता है स्टेट,
ये आपका है स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में क्या होते हैं, ये सेशन डिवीजन होते हैं, ठीक है, ये सेशन डिवीजन हो गए। इन सेशन डिवीजन में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ये यही नहीं आपको हर एक एक्ट में मिलेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सब डिस्ट्रिक्ट होता है, समझ में आया। अब पूरे स्टेट के लिए क्या होता है, हाई कोर्ट। सेशन डिवीजन के लिए क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन। डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या होते हैं, सीजेएम होते हैं। और सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होते हैं, जेएम वन होते हैं, जेएम टू होते हैं, इस तरीके से होता है। तो यही लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहा हुआ है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ, आप जैसे ए सीजेएम है, उसका डिस्ट्रिक्ट पर क्या है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो उसका क्या हो गया, लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। पुलिस वाला है, उसका ये फलाना एरिया उसके एरिया में आ रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये आपको जो है ना सेक्शन 7 का मैंने आपको पूरा बाइफरकेट करके यहाँ पे बोर्ड पर बना दिया है। आप सेक्शन 7 पढ़ोगे तो आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। यू कैन मेक दिस पिक्चर ऑन योर कॉपी एज वेल। मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो 1 लाख से ज़्यादा होती है, अबव 1 लाख होती है, 10 लाख होती है। सेक्शन 8 में दिया हुआ है पॉपुलेशन 1 मिल, एक सेकेंड रुकिए, लेट मी चेक, पॉपुलेशन 1 मिलियन होती है ना, जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है। और वहाँ पे जे एम वन नहीं बल्कि वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, जे एम वन नहीं कहलाते हैं। देखिए ऊपर कॉग्निसेबल ऑफेंस पढ़ा था, यहाँ पर आ गया नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम चीज़ें है, वे आर पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये मैं वही बोल रही थी कि दोनों डेफिनेशन आपको डिस्टिंक्शन दे रही हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में वारंट के साथ अरेस्ट होना है, एक में विदाउट अरेस्ट भी वारंट भी अरेस्ट होना है। लेकिन डिफाइन कहाँ है, फर्स्ट शेड्यूल में है, वहां से पता चल रहा है कि कोई ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है या नहीं है। देन नोटिफिकेशन तो वो है भाई जो ऑफिशियल गैजेट में सरकार निकालती है, वो नोटिफिकेशन हो गया। ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसके लिए पनिशेबल जो है, पनिशमेंट जो है किसी भी एक्ट में दी हुई है, जैसे कि आईपीसी में दिया हुआ है। तो जो भी एक्ट आईपीसी में पनिशेबल हैं वो यहाँ पर क्या है, दे ऑल आर ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यहाँ से देखो थोड़ा सा, यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं और वो लोग क्या होते हैं ना, आरजे जैसे पेपर में दो दो नंबर में वो ऐसी डेफिनेशंस भी दे देते हैं। व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, ठीक है, या वो बीमार है, इज इल, और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टेशन हाउस में, हु इज़ नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच ऑफिसर, वो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन होगा। प्लेस ये थोड़ा सा याद कर लेना, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वहीसल। प्लीडर कौन होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं प्लीडर, भाई जिनको अपॉइंट किया गया है कि वो कोर्ट में क्या कर सकें, हु आर अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग्स, दे आर प्लीडर। फिर अपना आता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है 173 क्लॉज 2 CRPC में। जब पुलिस वाला अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी रिपोर्ट भेजता है कहाँ, मजिस्ट्रेट को, वो रिपोर्ट भेजी, उसी रिपोर्ट को कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पर भी दिया हुआ है 173 आगे लिख लो क्लॉज 3, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के लिए देखो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है, क्या कौन बनाता है पुलिस स्टेशन, स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि कौन सा एरिया जो है, प्लेस जो है वो डिक्लेयर्ड होगी एज अ पुलिस स्टेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेक्शन दे रखा है 24 दे रखा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, वो होते हैं जो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में गवर्नमेंट के लिए क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, सब डिवीज़न मैंने अभी आपको समझाया था, सब डिवीज़न पिछली क्लास में यहाँ बताया था ना, ये अभी बताया था आपको, ये पूरा पिक्चर बना के मैंने कहाँ बनाया था, ये रहा, ये आपका सब डिवीज़न हो गया, ये सब डिवीज़न है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए, समन केस और वारंट केस। समन केस कौन से हैं,
रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजॉनमेंट फॉर लाइफ एक्सीडिंग टू ईयर्स, दो साल से ऊपर वाले ऑफेंसेज होते हैं वॉरेंट केस, और उससे नीचे वाले ऑफेंसेज होते हैं समन केस, ठीक है। विक्टिम, ये डेफिनेशन ऐड हुई है 2009 के अमेंडमेंट से, याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिवली पूछ लेते हैं, लिख लीजिए अपने बैर एक्ट में। फिर नेक्स्ट आपका है पेरी मटेरिया वाला प्रोविजन, ये पेरी मटेरिया जो जो ये कहता है, जो यहाँ डिफाइंड नहीं है किसी और एक्ट में डिफाइन है वर्ड, तो हम वहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आईपीसी दे रखा है, यानी कि कोई टर्म है जो यहाँ पर सीआरपीसी में यूज़ तो किया हुआ है लेकिन सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, तो हम उसका मीनिंग आईपीसी से लेंगे। दीज वर ऑल दी, मैंने आपको क्या समझाए हैं, डेफिनेशन पार्ट बताए हैं। ये क्लास सेशन जो अभी एक इनिशियल सेशन था, दिस वॉज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्टरी। मैंने स्टार्टिंग से अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये बताया कि हम सीआरपीसी क्यों पढ़ रहे हैं, फिर मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं सीआरपीसी में वो मैंने आपको बताए, एंड देन फिर मैंने आपको डेफिनेशन पार्ट बताया। बीच में थोड़ा सा मैंने सोचा था चैप्टर से ओवरव्यू करवा लूँ, लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो रहा था तो आई जस्ट स्किप दैट। लेकिन टर्मिनोलॉजीज़ के बेसिस पर मैंने, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज़ पता होने चाहिए, तो मैंने आपको डेफिनेशन पार्ट पढ़ा दिया। अब बात आती है कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। अभी आज तो हम टॉपिक को इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं, हम जो है समन, वारंट और प्रोडक्शन, जो है ना समन फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग, ये सेक्शंस को हम कवर करेंगे। ये आपको सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स मिलेंगे एंड वी विल गो टिल सेक्शन 100। ये एरिया हम लोग जो है, जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, हम उसमें ये एरिया बैरक का कवर अप करेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो सेशंस हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर द एपीओ, और यहाँ पर हम बैरक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। आरजेएस के लिए बैरक्ट आरजेएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो है आरजेएस में आपको थोड़ा और भी पढ़ना होगा। बात आती है कि हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग जो है ये पढ़ेंगे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, क्यों आया था, और ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, किन बेसिस की वजह से किया, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एसेज में ये काम आ सकता है, ऐसे चाहे एपीओ का हो, चाहे आरजेएस का हो, चाहे किसी और स्टेट जुडिशरी का हो, आपके पास मटेरियल कलेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है कुछ इस तरीके के टॉपिक्स लूँगी। अब आप कहोगे कि मैम कल आप ये पढ़ाओगे तो फिर सीआरपीसी का टॉपिक जो होगा, जो अभी मैंने समन और वारंट वाला बताया, वो मैंने आपको बताया है परसों के लिए, वो हम परसों लेंगे, ठीक है। कल हम इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लेंगे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक सो फार, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये कि आज से हमारा जो है सीआरपीसी बीएनएसएस जो है वो क्लास में भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इंटरव्यू, मेंस एंड प्रीलिम्स, इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इनरोलमेंट करा सकते हो, नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। ये कोई रिकॉर्डेड फॉर्म की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको नहीं बेचे जा रहे हैं 2,000, 4,000, 5,000 रुपए में, एक ऑथेंटिक क्लासेस हैं, ठीक है। अभी इसे नहीं शुरू हुई है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, कई बच्चे जजेस ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूट से बन चुके हैं, ठीक है। तो एक आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन डेप्थ स्टडी के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ सेशंस में खाली बैरेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता है, बैरेक्ट के आगे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, थॉट ऑफ द डे ये है कि भाई अच्छे इंसान बनिए, ठीक है, और कोशिश करिए, पूरे दिन में कोशिश करिए कि किसी एक इंसान के, एटलीस्ट एक इंसान के मुस्कुराहट का कारण बने, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। उसे जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो एक अलग लेवल का आता है। तो कोशिश करिए हम एक अच्छे इंसान बने, ठीक है, और दो अपनी सिर्फ अपने बारे में ना सोच के औरों के बारे में भी सोचें। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ।